हेलो दोस्तों, अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं 5 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, याद रखें करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन हुक्का बार्स। आपको बताना है हुक्का बार्स पर हाल ही में किस रियासत ने बैन अनाउंस की। ऑप्शंस आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, झारखंड। दोस्तों, याद रखें कि झारखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में हुक्का बार्स पर बैन लगाने का फैसला किया है और जो इन फैसलों की खिलाफ अर्जी करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा या उस पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। और जो इंसान पब्लिक प्लेस में सिगरेट बेचते हुए या इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विथ इंडियाज ऑफिशियल वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कोविन टू इनेबल यूजर्स टू लोकेट नियर बाय COVID-19 वैक्सीन सेंटर्स। आपको बताना इन में से कोविन के साथ किसको इंटीग्रेट किया गया है ताकि जो यूज़र्स हैं वो COVID-19 वैक्सीन सेंटर्स को आसानी से लोकेट कर सकें। ऑप्शन है आपके पास मेप माई इंडिया, कवच, कोवैक्स या फिर कोरोना गो। आंसर पता है तो दोस्तों अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, मैप माई इंडिया। दोस्तों, याद रखें कि मैप माई इंडिया इंडिया का बनाया हुआ गूगल मैप्स का अल्टरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्मा 2021। आपको बताना इंडिया फर्मा 2021 प्रोग्राम जो है ये किसने इनॉग्रेट किया। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, डॉक्टर रामाया कोचो या फिर देवारा गुंदा वेनकप्पा। दोस्तों, अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट डी, देवारा गुंदा वेनकप्पा। दोस्तों, याद रखें कि यूनियन मिनिस्टर देवारा गुंदा वेनकप्पा सदानंद गौडा ये मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। तो इन्होंने इंडिया फर्मा 2021 का इनॉग्रेशन किया और इंडिया फर्मा 2021 का थीम है इंडिया फर्मा इंडस्ट्री, फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयर डिजीज डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। आपको बताना है किस डेट पर रेयर डिजीज डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास 28 फेब, लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, लास्ट संडे ऑफ मार्च या फिर 28 मार्च। दोस्तों, आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, तो पार्ट बी इसका सही आंसर बने। दोस्तों, याद रखें कि रेयर डिजीज़ के दिन रेयर डिजीज से मुतालिक अवेयरनेस फैलाई जा सके ताकि उनको अच्छे से एक्सेस किया जाए और इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से किया जाए। और रेयर डिजीज़ डे जो है ये पहली बार लॉन्च किया था यूरोडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी। आपको बताना है पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग है उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन है आपके पास अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, निर्मला सीतारमन, जो कि इंडिया की यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेटिव अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ मरीन स्पेशल प्लानिंग इन द ओशनिक स्पेस फॉर नेक्स्ट 5 years? ऑप्शंस: पाकिस्तान, नॉर्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका। दोस्तों आपने अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट बी, नॉर्वे। दोस्तों याद रखें कि इसके लिए लक्षद्वीप और पौंडीचेरी को आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया फरवरी 27 इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल प्रोटीन डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रोटीन डेफिशिएंसी। व्हाट इज इट्स थीम फॉर 2021? आपको बताना है कि इंडिया 27 फरवरी को यानी 27 फरवरी को मनाता है नेशनल प्रोटीन डे। आपको बताना है नेशनल प्रोटीन डे 2021 का थीम क्या है, और ये नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है प्रोटीन से रिलेटेड जो अवेयरनेस होती है उसके लिए। तो 2021 के लिए क्या थीम है नेशनल प्रोटीन डे की? ऑप्शन है आपके पास: पावरिंग विद दी प्रोटीन, भारत एंड प्रोटीन, भारत प्रोटीन लो, या फिर मैं और मेरा प्रोटीन। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। दोस्तों याद रखें कि नेशनल प्रोटीन डे इंडिया में राइट टू प्रोटीन इनिशिएटिव के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इन इंडिया हैज रिसेंटली टाइड अप विद जेपी मॉर्गन टू गो लाइव सिकल्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिंक ऑफ द यूएस बेस्ड बैंक? ऑप्शंस: जेके बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, या फिर आरबीआई बैंक। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। सही आंसर है इसका पार्ट सी, एसबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपकमिंग 2021 G20 समिट इज द 16th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 20 शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? आपको बताना है G20 समिट की 16वीं मीटिंग होने जा रही है, आपको बताना है किस मुल्क में। ऑप्शन है आपके पास: इंडिया, पाकिस्तान, इटली, या फिर रशिया। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट सी, इटली। दोस्तों याद रखें कि इटली के शहर रोम में 16वीं मीटिंग होने जा रही है G20 समिट की, और इसको शेड्यूल किया गया है 30 से 31 अक्टूबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू स्पीशीज ऑफ अल्पाइन प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट बाय अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ऑफ 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री? आपको बताना है इंडिया के 3 इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के एक ग्रुप ने अल्पाइन की एक नई स्पीशी को डिस्कवर किया है। आपको बताना है किस रियासत में इसको डिस्कवर किया गया है। ऑप्शन आपके पास: अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर बिहार। दोस्तों आपने अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखें कि इस नई स्पीशी जो अल्पाइन की है इसका नाम रखा गया है क्रीमेंथोडियम इंडिकम, और ये सनफ्लावर की स्पीशी की एक किस्म है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि इस स्पीशी को डिस्कवर किया गया है पेंगातेंग सो लेक, जो आंध्र प्रदेश के तवंग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? आपको बताना है विकलांगों की ज़रूरियात को उन तक पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके पास: सुगम्या भारत ऐप, डिजिटल ऐप, सच भारत ऐप, या फिर जय भारत ऐप। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर है पार्ट ए, सुगम्या भारत ऐप। दोस्तों याद रखें कि इस ऐप का लॉन्च थवरचंद गहलोत, जो कि मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, उन्होंने वर्चुअली किया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।